इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं ये बता देता हूँ। तो जैसे ही आप बाइनेंस ऐप खोलोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये आप बाइनेंस लाइट पे चले जाओगे और फिर यहीं तो आप बाइनेंस प्रो पे चले जाओगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रो ही यूज़ करो, लाइट पे कुछ नहीं है। लाइट पे बस एक ट्रेडिंग का लिंक ही है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है लाइट पे। तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, ये आपकी कंट्री आ गई। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। तो अगर मैं ईमेल आईडी डालूँ तो मैं कोई भी रैंडम ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। फिर इसके बाद अपना पासवर्ड चूज़ कर लोगे। फिर रेफरल आईडी अगर है तो डाल देना, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। ये एक स्लाइडर होगा जो कि आपको ऐसे राइट स्वाइप करना है ताकि ये मैच हो जाए, और फिर आपके एक ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा। तो अब जैसे मुझे ओटीपी मैं डाल देता हूँ, जैसे मुझे ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आया है, तो ये हो गया मेरा बाइनेंस का इंटरफेस स्टार्ट। तो अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई अकाउंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज़ इसके बिना आप आगे ट्रेडिंग और मनी ऐड नहीं कर पाओगे, विदाउट बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको वेरीफाई ज़रूर कीजिए। जैसे पेटीएम या किसी भी वॉलेट पे केवाईसी होती है, वैसे इस पे भी ट्रेडिंग अकाउंट पे केवाईसी होगी जिस पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी काम की नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगा। तो आपको अपना नाम डालना है, तो मेरा नाम है ये, डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो, कोई भी, मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। और उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करोगे, ये आपकी रेसिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इस पे आप कुछ भी डालोगे। आप जैसे ये गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड अपना वेरीफाई करोगे, फिर इस पर कंटिन्यू करोगे, तो आपको यहाँ पे बस फ़ोटो क्लिक करनी है अपनी, जो कि आपकी आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो होगी जो भी आपने डाला है। जैसे आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसे ही आपको कैमरा खुल जाएगा, यहाँ से आप फ़ोटो क्लिक करोगे। और ये बेसिक प्रोसेस है, मतलब ये मैं इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज़ इस पर मेरी डिटेल्स हैं। तो आप फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट डालोगे, फिर बैक ऑफ डॉक्यूमेंट डालोगे, एंड इसको कंटिन्यू करते रहोगे जो जो आपसे मांगा जाएगा। यहीं तक है, ठीक है, रिलेटेड टू आप अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि लॉगिन कैसे करते हैं, और उसके बाद आगे का स्टेप कि आप मनी कैसे ऐड कर सकते हो और मनी कैसे रिमूव कर सकते हो, मतलब कैसे विड्रॉ कर सकते हो।